दिवाली हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूँ सासाराम के धर्मशाला रोड में और आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन लोग मार्केटिंग करने के लिए धर्मशाला रोड में, शहर सासाराम के धर्मशाला रोड में लोग आए हुए हैं और कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देख सकते हैं कि काफ़ी भारी संख्या में भीड़ है, लोगों की हुजूम सी उमड़ पड़ी है और लगभग 2 साल के बाद लोग मार्केट में इस धनतेरस के मार्केटिंग करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल कर आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ है। धनतेरस ऐसे में बता देना चाहता हूँ, जो धनतेरस होता है इसमें झाड़ू, बर्तन और ज्वेलरी सामान जो खरीदा जाता है ये शुभ माना जाता है और काफ़ी जो मार्केट में महिलाएं की संख्या लगभग बहुत ज़्यादा है और वैसे में एक महिला है, इनसे मैं बात करूंगा। आज धनतेरस है, धनतेरस के लिए क्या खरीदने आई है मार्केट में? धनतेरस में वही माँ लक्ष्मी जी का मूर्ति लेंगे और उसी पे खरीदारी करेंगे, कुछ बर्तन वगैरह जो अच्छा लगे। और सबसे अच्छा रहेगा, आज माँ लक्ष्मी जी का पूजा का दिन है तो उसके लिए हम लोग झाड़ू खरीदेंगे। झाड़ू को शुभ माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू लेके जाने से माँ लक्ष्मी जी की वो उनका प्रस्थान होता है अपने यहाँ, इसीलिए झाड़ू शुभ माना जाता है। लेकिन ज्वेलरी भी मार्केट से लोग ले रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, ज्वेलरी भी लिया जाता है लेकिन जिसको जो लगे अपना, मान लीजिए कोई इसी में बड़ा घर का है, छोटा घर का है तो सब कोई तो नहीं ना ले सकता है ज्वेलरी, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है इसमें है कि झाड़ू को बड़ा घर से भी ले सकता है, छोटा घर से भी ले जा सकता है, इसमें कोई नहीं। ये शुभ माना जाता है, झाड़ू लेना ही लेना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति शर्मा है। क्या नाम है भी आपका? संतोष कुमार। क्या मार्केटिंग करने के लिए आए हैं भाभी को लेकर? हम भाभी को लेकर धनतेरस के उपलक्ष्य में बर्तन वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। हम लोग बाहर में रहते हैं, जैसे वहाँ जॉब करते हैं तो आए हैं, तो धनतेरस में कुछ इम्पोर्टेंट ले लें, जिससे मतलब आज का मान्यता है कि आज के दिन खरीदने से मतलब धन की वर्षा होती है, लेकिन उल्टा हम लोग धन तो धन से खरीद के घर सामान लेके जा रहे हैं। धनतेरस में क्या शुभ होता है, लोग खरीदने के लिए आते हैं? पूजा पाठ के सामान वगैरह ज़्यादातर मैंने खरीदना पसंद करते हैं, जिससे दीपावली के दिन उसका पूजा कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर घर में आज झाड़ू जरूर जाता है, देखिए सबके हाथों में झाड़ू जरूर होगा जी। इस बार दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट कीजिएगा? लगभग 2 साल से दिवाली लोग अच्छे तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे कोरोना की वजह से। इस पर 2 साल के बाद अच्छे से दिवाली मनाने का मौका मिला है, तो बच्चों के साथ थोड़ा बजट इस बार गड़बड़ाएगा, ज़्यादा खर्चे किए जाएंगे और कोई बात नहीं, इससे मार्केट में भी 2 से 3 साल से जो सूनापन था उसको खालीपन भरेगा। और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि भगवान करे कि कोरोना जैसी महामारी फिर से ना आए और इसी तरह हर साल मनाए। मार्केटिंग के लिए आई हैं और आज धनतेरस से क्या खरीद रहे हैं? हम लोटकी लिए और पीतल वाला, पीतल का और स्टील का सामान लिए और यही मोमबत्ती पूजा का सामान लेना है। तो मार्केटिंग के लिए आई हैं और धनतेरस है, क्या खरीदारी के लिए आई हैं आप? सर, वो धनतेरस का कुछ कुछ पूजा का सामान और लोग कहते हैं कि धनतेरस के दिन कुछ खरीदना, जैसे झाड़ू हो या फिर पूजा पाठ का सामान खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है, तो मम्मी बोली थी इसलिए मैं वही सब शॉपिंग करने आई हूँ, झाड़ी करूँ। धनतेरस में तो बर्तन भी लिया जाता है, झाड़ू भी लिया जाता है और ज्वेलरी भी लिया जाता है, तो आप झाड़ू ही क्यों ले? नहीं, ज्वेलरी मेरी मम्मा खरीद के ले जा चुकी हैं तो इसलिए मैं अभी झाड़ू लेने आई हूँ। झाड़ू ही लेने? हाँ, मैं अपने पापा के साथ आई हूँ तो दोनों। झाड़ू शुभ माना जाता है? हाँ, झाड़ू भी शुभ होता है, कौड़ी भी शुभ, मतलब ऐसे छोटे छोटे चीज़ बहुत कुछ होता है जो शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी माँ की प्रतीक होती हैं तो इसीलिए झाड़ू शुभ माना जाता है। 2 वर्षों के बाद, कोरोना टाइम के बाद, इस बार धनतेरस दिवाली जो आया है, इस बार बड़े ही धूमधाम से लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके? अरे हाँ, कोरोना के टाइम तो मतलब सारे लोग ऐसे घर में रहे हैं तो ये 2 साल बाद है तो काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग शॉपिंग करने के लिए, मम्मी पापा सबके साथ आए हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सासाराम का बाजार कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ तो अपना सासाराम हर किसी को अच्छा है। अभी थोड़ा सा क्राउड है क्योंकि फेस्टिवल आया हुआ है ना, तो थोड़ा सा क्राउड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली सांकृत है। ठीक है, खरीदारी के लिए बहुत सी महिलाएं भी घर से बाहर निकल रही हैं और ऐसे में बहुत सी बेटियां भी घर से बाहर निकल कर धनतेरस के दिन मार्केटिंग करने के लिए आ रही हैं। ऐसे में दीदी हैं, क्या नाम है दीदी? तृप्ति सिंह। अच्छा, क्या मार्केटिंग करने के लिए आज धनतेरस है? आज धनतेरस है तो आज हम दिए
लाइट और मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें, मिठाइयाँ, सारी चीज़ें जो दिवाली में हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें लिया। और धनतेरस में हम चांदी के सिक्के भी लिए जो कि शुद्ध होता है धनतेरस के लिए, इसलिए, और पित्तल के बर्तन भी लिया हमने। इस बार का दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट कीजिएगा? एक्चुअली मैं पुणे में वर्क करती हूँ तो मैं अपने होम टाउन आई हूँ और आई एम सो एक्साइटेड टू सेलिब्रेट दिवाली। सो बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं हम दिवाली, मिठाइयाँ, नए कपड़े, सब चीज़ें रेडी हैं दिवाली के लिए। काफ़ी इंजॉय कर रही है मार्केटिंग के दौरान आप? हाँ, काफ़ी इंजॉय कर सामान हम खरीद रही हैं। हाँ, काफ़ी सामान है, जैसे ये लाइटें खरीदे हमने, हमने दिए लिए हैं, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो सब चीज़ें लिए हुए हैं। और मैं बात पूछना चाहता रहा हूँ आपसे, धीरे धीरे जो मिट्टी के दिए हैं जो जलाए जाते थे धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहती हैं? लोग डिजिटल हो रहे हैं, आई डोंट नो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दिए अगर मिट्टी के जले तो ही सही है, लोग डिजिटल हो रहे हैं वो गलत है। मिट्टी को हमें सपोर्ट, हम धरती को सपोर्ट करना चाहिए, मिट्टी का जो हमारा मिट्टी है उसे सपोर्ट करना चाहिए। मैंने तो मिट्टी के ही दिए लिए हैं, मैंने डिजिटल लाइट वाले दिए नहीं लिए हैं। और नहीं, मैं सबसे ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी मिट्टी के दिए लिए लें, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको सपोर्ट कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि साफ तौर पे दीदी का कहना है कि जो संस्कार अपना भूलना नहीं चाहिए, जो मिट्टी के दिए बरसों पुराने जो जलाए जाते थे, हमारे जो सभ्यता है, भारत की संस्कृति है, उसको लोग बचा के रखें और मिट्टी के दिए ही जलाएँ। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन लोग घरों से बाहर निकलकर मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं और लोग जो शुभ चीज़ होता है उसको भारी मात्रा में लोग खरीदारी कर रहे हैं। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।